अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड क्विक रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं आइस गोला। सबसे पहले मैं आपको कलर्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, 1 कप शुगर, रेड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और 1/2 कप पानी। एक पैन में मैंने 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम हलाते जाएंगे। बहुत इजीली कलर्स घर में तैयार हो जाते हैं। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद शुगर सिरप हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। सिरप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज कलर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन फूड कलर शुगर सिरप में ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कलर भी रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे रेड कलर। रेड कलर भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना इजीली कलर्स घर पे रेडी हो चुके हैं। तमाम कलर्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये तीनों कलर्स मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। ये है संदल सीरम, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये है रूह अफ़ज़ा। बर्फ़ मैंने ली है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम किचन टावल लेंगे और उसके ऊपर बर्फ़ डालकर इसको हम बेलने की मदद से क्रश कर लेंगे। बर्फ़ को अच्छे से बेलने की मदद से क्रश कर लेना है जी। तो बर्फ़ हमने क्रश कर ली है। अब हम इसका गोला बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद मैं आपको गोला मशीन की मदद से बर्फ़ क्रश करके उसका भी गोला बनाकर दिखाऊंगी। एक कंटेनर में बर्फ़ डालकर उसमें रेड कलर ऐड करेंगे। आपको जौन सा कलर जो भी पहले डालना हो आप अपनी चॉइस पर डाल सकते हैं। जौन सा कलर जितना डालना हो आप वो भी डाल सकते हैं। आप इन कलर्स को स्टोर भी कर सकते हैं। इन कलर्स के अलावा अगर आपको और कोई कलर भी पसंद हो तो आप इसी तरह शुगर सीरम बनाकर वो कलर्स भी इसमें ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। जितनी चाहें आप इसके ऊपर लेयर्स लगा सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डालूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर संदल सीरम ऐड करेंगे। देखिए कितनी आसानी से घर की चीज़ों से ही गोला बन जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है कंडेंस्ड मिल्क, ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपसे शेयर करूँगी। बाहर की चीज़ों से अच्छा है कि आप खुद घर में सफाई से चीज़ें बनाएं, खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपके बच्चे भी हेल्दी रहें। यह है इमली की चटनी, ये भी होममेड है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ की हुई भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रश्ड कोकोनट है जी। तो ये हमारा मज़ेदार सा गोला रेडी है जिसकी बर्फ़ हमने बेलने की मदद से खुद क्रश की थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बर्फ़ गोला मशीन से क्रश की हुई है। आपको जो भी पसंद हो आप मशीन की मदद से क्रश की हुई बर्फ़ से भी गोला बना सकते हैं, और जो मैंने आपको बेलने की मदद से सिखाया है आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना इजीली बर्फ़ क्रश हो रही है। बर्फ़ क्रश हो चुकी है। अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे। जितनी आपको चाहिए आप बर्फ़ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कलर्स की लेयर लगाएंगे। ये एकदम बाहर जैसा परफेक्ट गोला बनता है घर पर ही। अब फिर से हम बर्फ़ की लेयर लगाएंगे। रेसिपी के फुल स्टेप्स फॉलो किया करें, तभी जाकर रेसिपी प्रॉपर और परफेक्ट बनती है। अगर आप स्किप कर कर के रेसिपी को देखेंगे तो ना आपको समझ आएगी रेसिपी की और ना ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। इसीलिए वीडियो पूरी देखा करें और कोई चीज़ स्किप ना किया करें।
ये संदल सीरम है, इमली की चटनी, जैसे मैंने कलर्स को बोतल में डाल दिया है वैसे ही आप भी किसी बोतल में कलर्स को डालकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको किचन में भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रखकर स्टोर कर सकते हैं। ये चिया सीड्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इसको स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक मीनार बनाऊंगी बर्फ से ही। गोला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। ये क्रश किया हुआ कोकोनट है, आइसक्रीम इसके ऊपर मैंने डाली है और साथ ही मैं इसके ऊपर तमाम कलर्स दोबारा से डाल दूंगी। मज़ेदार होममेड आइस गोला रेडी हो चुका है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।